तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, जिसमें CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी भी मौजूद थे। इस हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिसमें सेना के बड़े अफसर भी सवार थे। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। खबरों की माने तो यह हादसा तकनीकी गड़बड़ी के चलते हुआ है, साथ ही इस हादसे में 4 लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि 11 लोगों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। वहीं भारतीय वायुसेना ने भी इस घटना पर ट्वीट कर पुष्टि की है कि जनरल बिपिन रावत इस हेलीकॉप्टर में ही सवार थे, साथ ही इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं अब इस हादसे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी संसद में हादसे की जानकारी देंगे। तो ऐसे में आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद लगातार जो है जानकारियां सामने आ रही हैं। बिपिन रावत को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि उनकी हालत गंभीर अभी बनी हुई है, इलाज लगातार उनका किया जा रहा है और अब तक 11 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे डिप्टी एडिटर कावेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कावेंद्र, जिस तरह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और अब तक 11 शव बरामद कर लिए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि CDS बिपिन रावत की हालत गंभीर है। जी बिल्कुल पारुल, आपको बता दूं कि 12:10 पर यह पूरा हादसा, ये एक डेंस फॉरेस्ट में हादसा हुआ, घने जंगलों के बीच हादसा हुआ। इसके बाद तरह तरह के कयास लगाए गए, लगातार खबरें हमारे पास भी आती रही, हमारे सोर्सेज की तरफ से जो खबरें आई, कभी बताया गया कि 4 लोग जो थे इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, फिर बताया गया 5 लोग थे, लेकिन अभी जो स्पष्ट रूप से इस बात को निकलकर सामने आई है वो ये है कि उसमें 14 लोग सवार थे। और 14 लोग जो सवार थे, अविश्वसनीय खबर है और बहुत ज्यादा दुखद खबर है कि 11 लोगों की मौत की पुष्टि अब की जा चुकी है। तो 11 लोगों की उसमें मौत हो चुकी है, शव मिल चुके हैं, शव बरामद किए जा चुके हैं। इसके अलावा जो CDS बिपिन रावत जी हैं, उनके बारे में अभी तक ये कहा जा रहा है, उनकी पत्नी के बारे में कहा जा रहा है कि उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है, उनकी हालत तो गंभीर है लेकिन वो हॉस्पिटलाइज है, अभी इलाज चल रहा है। उनके बारे में अभी तक पारुल कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन एक बड़ी खबर ये और अपने दर्शकों को बता दे कि राजनाथ सिंह संसद भवन पहुंच रहे हैं, वो संसद से जाकर बयान देने वाले हैं, संसद से जाकर जो कुछ है वो बताने वाले हैं और उस पर खुलकर चीजें तभी साफ हो पाएंगी जब संसद में राजनाथ सिंह जो कुछ बोलने जा रहे हैं उसको हम सभी लोग सुनेंगे। वो कुछ ही देर में अभी संसद भवन में पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो संसद भवन बिल्कुल बिल्कुल कावेंद्र, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं एक तरह से जो CDS बिपिन रावत के बारे में जानकारी मिल रही है वो अभी तक ये मिल रही है कि उनकी हालत बेहद गंभीर है और लोग जो है अब दुआ करने लगे हैं कि बस किसी भी तरह वो ठीक हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक उनके बारे में और उनकी पत्नी के बारे में कोई भी जानकारी ज्यादा नहीं मिल पा रही। सिर्फ यही बताया जा रहा है कि दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया पर उनका इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि पारुल इसमें CDS विपिन रावत इन्वॉल्व है, उनकी फैमिली इन्वॉल्व है, इसलिए मामला जो है कहीं ना कहीं एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी घटना हो जाती है क्योंकि इसमें CDS शामिल है। तो ऐसे में अभी कुछ भी कहना स्पष्ट रूप से किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा जब तक ऑफिशियल बयान नहीं आ सकते। लेकिन आपको बता दूं कि 11 लोगों के शव मिले हैं, ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है और संसद भवन से अब संसद में जाकर जो राजनाथ सिंह जी कहेंगे, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहेंगे, वही अब ऑफिशियल माना जाएगा। तो वो क्या कुछ कहने वाले हैं इसका हमें लगता है कि हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। जी चलिए ठीक है कावेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में आपको बता दें कि तमिलनाडु में जिस तरह से ये सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसके बाद राजनाथ सिंह अब संसद में बयान जारी करेंगे, जहां पर अब वो संसद भवन पहुंच भी चुके हैं और ऐसे में अब से कुछ ही देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर संसद में इस पूरे हादसे को लेकर जानकारी देंगे, जिसका हर किसी को अब इंतजार है कि आखिर इस पूरे मामले में, इस पूरी घटना में क्या कुछ कैसे हुआ है। राजनाथ सिंह इस पूरे बारे में डिटेल साझा करेंगे।